अब आपको बताते हैं, तख्लीक कारी फजा में और जमीन की सतह पर ही नहीं, पानी की तह में भी हो सकती है। इस बात का अमली सबूत पाकिस्तान के पहले अंडर वाटर फोटोग्राफर ने दिया है। आबी मखलूक पानी की तह में चमकते मोती और दिलकश नजारे कैमरे की आंख में महफूज करने वाले नौजवान से मुतालिक तफसील बता रहे हैं वासिफ काजमी अपनी रिपोर्ट में। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं, और अगर यही शौक किसी की शोहरत और नामवरी का बाइस बन जाए तो वाकई ही अनमोल हो जाता है। फैसलाबाद के रिहायशी सैयद फैसल रजा को भी आबी हयात से दोस्ती और ज़ेर-ए-आब मनाजिर कैमरे की आंख से कैद करने का अनोखा शौक है। बचपन से फोटोग्राफी के शौकीन फैसल रजा केज एंड केव डाइविंग करते हुए नीलगुं समुन्दर की तहों में उतरते और हैरान कुन और मुनफरिद आबी हयात को वीडियोज और तस्वीर में महफूज कर लेते हैं। मुल्के अजीज के इस होनहार और बाहिम्मत नौजवान ने तैराकी और स्क्यूबा डाइविंग की तरबियत अमेरिका से हासिल की है। फैसल रजा कहते हैं कि उन्हें खतरात से खेलने में मजा आता है। डर और खौफ जो है वो मेरा खत्म हो गया है समुंदर में जा जाके। अल्लाह का शुक्र, आपको डर खौफ नहीं होता। तो जब आपके लिए कोई चीज़ की डेडिकेशन पाकिस्तान के लिए हो तो फिर डर खौफ हर चीज़ पीछे रह जाती है। खतरों के इस खिलाड़ी ने 2014 में खलीज कैलिफोर्निया के बेहतरीन ज़ेर-ए-आब फोटोग्राफर का एजाज भी अपने नाम कर रखा है। फैसल रजा ज़ेर-ए-आब फोटोग्राफी को महंगा शौक करार देते हैं, लेकिन साथ ही अपने मुहिम जोई को जारी रखते हुए समंदर में मगरमच्छों से दो दो हाथ करने के लिए भी पुरअज़्म है। कैमरामैन शेर खान के साथ वासिफ काजमी, 92 न्यूज़, लाहौर।